मालिक राजी हेले सरकार घोषणा कले एहापरे आरंभ हला घरोई बस चलाचल आशा थिला धीरे धीरे स्वाभाविक हेबो यात्री परिवहन सेवा हेले एहारे भितरे विभिन्न दाबी नेई सारा राज्य रे आंदोलन को ओल्हाइछि बस कर्मचारी संघ ठिया करि देइछंती बस स्टैंड रे ठिया होइछि बस आंदोलन रे बसिछंती कर्मचारी यात्री हेउछंती हंतसंत तीनी दफा दाबी रे ओडिसा मोटर चालक संघ भुवनेश्वर परमुंडा बस स्टैंड रे करिछि आंदोलन ड्राइवर कंडक्टर हेल्पर को तीनी मासर क्षतिपूरण दाबी करिबा सह परिवहन कर्मचारी रो मान्यता और 50 लाख टंकार बीमा दाबी करिछि संघ बालेश्वर रे आंदोलनकारी कर्मचारी खोलाखोली कहिछंती दाबी पूरण नहले कार्यकु ओल्हाइबे नाही सेहिपरि मयूरभंज रे भी समान अवस्था बौद्धरे भी सुरक्षा एवं भविष्य कथा उठाई आंदोलन करुछंती कर्मचारी एणु एवं राज्य अधिकांश स्थान में बस चलाचल पूरा ठप आम पाई किसी गोटे व्यवस्था करा जाऊ आपण माध्यम आम ये गुहारी करूँ सरकार को आम को तुरंत क्षतिपूरण दि जाऊ राज्य सरकार आम मान परिवहन क्षेत्र में काम करथवा कर्मचारी कथा न बुझुचंती अनिर्दिष्ट काल पर्यंत चलिबो आमे निवेदन करूछु सरकार को अविलंबे जिते बस कर्मचारी पे 50 लाख टंका बीमा राशि घोषणा करंतु एवं जदि से माने कोरोना आक्रांत हो कि चिकित्सित हेले ताको 30,000 टंका मासिक आर्थिक सहायता दियंतु सेपटे बस कर्मचारी को आंदोलन मालिक और मालिक संघ को अड़ुआ पकाई कर्मचारी माने आंदोलन रु ओहरी बस चलाचल रे सहयोग करंतु बोली अनुरोध करिछि राज्य घरोई बस मालिक महासंघ सेपटे परिवहन मंत्री कहिछंती कि ओडिसा मोटर चालक संघर आंदोलन युक्तियुक्त कर्मचारी को पाई बीमार आवश्यकता अछि सेमाने देइथिबा दाबी मुख्यमंत्री को पाखरे विचाराधीन अछि आर्थिक स्थिति को देखि निष्पत्ति नियाजिबो सेटा इन्स्योरेन्स पाई सेमाने आमकु लिखित भावे मध्ये तांकर जो बस एसोसिएशन वाला मध्ये देइछंती आमे सेटा सरकारकर सक्रिय विचाराधीन अछि वास्तव रे सेमाने विभिन्न लोक को न्याय आनि जेहेतु करुछंती सेमानकर दाबी मध्ये माने जो रखिंट से तो असहमति देनु सबू ड्राइवर हेल्पर इन्सुरांस हो जाए राज्य सरकार करदे मतलब पाखापाखि 6-7 हजार ड्राइवर हेल्पर बर्तमान अलरेडी से अच्छा जो मानक नईपर आम चेष्टा करदेपी कितु अनेसेसरी एक बृत्ति दिंतनी लॉकडाउन जो 2 मास अधिक समय धरी सारा राज्य में बंद रही बस सेवा मे 28 तारिखर बस चलाचल करने को राज्य सरकार घोषणा करते हेले एपर्यंत स्वाभाविक हो पारिनि स्थिति ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।